हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू रीड चैप्टर नंबर 9, डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम। ये एक आत्मकथा है। इसमें डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम ने अपने बारे में बताया गया है। जब कोई व्यक्ति अपने बारे में कोई कहानी स्वयं बताता है या कहता है या लिखता है, उसे हम आत्मकथा कहते हैं। और इस चैप्टर में, इस पाठ में हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम की कहानी को उनके ही शब्दों में बताया गया है। ओके, डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम ने अपने बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। सारे बच्चे ध्यान से सुनो। मैं यह बहुत गर्व के साथ तो नहीं कह सकता कि मेरा जीवन किसी के लिए आदर्श बन सकता है, लेकिन जिस तरह मेरी नियति ने आकार ग्रहण किया, उससे किसी गरीब बच्चे को सांत्वना अवश्य मिलेगी जो किसी छोटी सुविधाहीन सामाजिक स्थिति में जी रहा हो। शायद मेरी कहानी उसे निराशा की भावना से मुक्त करने में सहायक हो। इसमें डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम ने बताया है कि मैं यह बहुत गर्व के साथ तो नहीं कह सकता कि मेरा जीवन किसी के लिए आदर्श बन सकता है, लेकिन जिस तरह नीति ने आकार ग्रहण किया, उसी तरह गरीब बच्चे को सांत्वना मतलब दिलासा जरूर मिलेगी। बच्चों, 15 अक्टूबर 1931 में मेरा जन्म हुआ था तमिलनाडु के रामेश्वरम में। 15 अक्टूबर 1931 को मेरा जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। मेरे गांव का नाम था धनुषकोडी। मेरे पिता का नाम जैनुला बेदन और माता का नाम आशिमा था। मेरा पूरा नाम अबुल पाकेर जैनुला बदीन अब्दुल कलाम है। मेरे पिता नावे बनाते थे और मछियारों को किराए पर देते थे। तो इसमें ए पी जे अब्दुल कलाम ने बताया है कि उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था और उनके गांव का नाम था धनुषकोडी। उनकी माता का नाम और पिता का नाम बताया गया है और उनका पूरा नाम अबुल पाकर जैनुला बदीन था। और उनके पिता क्या करते थे, नावे बनाते थे। नावे क्या होती हैं, जो बोट होती है ना, उसको नाव बोलते हैं। और मछियारों जो मछलियां पकड़ते हैं, उनको किराए पर देते थे। और उनके घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता था। मेरे पिताजी की लगन, उनके ऊंचे विचारों और उनकी कर्मठता ने मुझे प्रारंभ से ही अत्यधिक प्रभावित किया और अपने व्यक्तित्व में ये गुण मैंने आत्मसात भी किए। तो जो मेरे पिता के ऊंचे विचारों, उनकी लगन देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ और उनके गुण मैंने अपनाने चाहे। आत्मसात मतलब अपनाना, उनके गुण मैंने अपनाए। अपनी माँ के बारे में मैं क्या कहूँ, उनके प्रेम, त्याग और विश्वास ने मुझे सदैव शक्ति दी है। उनके प्रति अपनी इन भावनाओं को मैंने अपनी एक कविता में पिरो दिया है, जो मेरी पुस्तक विंग्स ऑन फायर के प्रथम पृष्ठ पर ही मुद्रित है। और मैं अपनी माँ के बारे में क्या कहूँ, वह तो प्रेम, त्याग और विश्वास ने मुझे सदैव ही उनके प्रेम, त्याग और विश्वास ने मुझे हमेशा ही एक शक्ति दी है और उनकी भावनाओं को मैंने अपनी एक कविता में लिखा है। जीवन में सफलता तथा अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए दृढ़ निश्चय, आस्था तथा सकारात्मकता, इन तीनों शक्तियों की को भली भांति समझ लेना चाहिए। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए और उनका परिणाम प्राप्त करने के लिए हम में ठोस लगन होनी चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए और सकारात्मक विचार होने चाहिए। उपयुक्त पंक्तियाँ मेरे शिक्षक यादुराई सोलोमन ने मुझसे कही थी। 5 वर्ष की आयु में मैंने पंचायत प्राथमिक विद्यालय रामेश्वर से अपनी शिक्षा आरंभ की। कई बार ऐसी आर्थिक
कठिनाइयां भी सामने आई कि मुझे समाचार पत्र बेचने का काम भी करना पड़ा। 1958 ईस्वी में मैंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विमान में स्नातक की पढ़ाई पूरी की। मुझे भौतिकी से बहुत प्रेम था। भौतिकी मतलब फिजिक्स सब्जेक्ट होते हैं ना, जैसे फिजिक्स बायो, ऐसे ही हिंदी में फिजिक्स को भौतिकी बोलते हैं। भौतिकी से बहुत प्रेम था और मैं एक पायलट बनना चाहता था, लड़ाकू विमान उड़ाना चाहता था। मैंने उसकी परीक्षा भी पास की, परंतु उन्हें 8 व्यक्तियों को ही चुनना था और मैं 9वें स्थान पर था। यहीं से मैंने अपनी दिशा बदल ली। जब तक आप अपना 100% योगदान नहीं देते हैं, तब तक आप सफल नहीं हो सकते हैं। और आपके द्वारा दिया गया 100% योगदान आपको कभी असफल नहीं होने देगा। तो इसमें ये बताया गया है कि जब हमने कोई भी काम करना है तो हमें पूरी मेहनत लगन से काम करना चाहिए और 100% योगदान देना चाहिए, तभी हम अपने काम में सफल हो सकते हैं, नहीं तो हमें असफलता मिलेगी। 1962 ईस्वी में मैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन से जुड़ा और मैंने परियोजना महानिदेशक का पद संभाला। भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपात्र SVL तृतीय बनाया। प्रक्षेपात्र मतलब मिसाइल बनाई गई। पृथ्वी और अग्नि जैसे प्रक्षेपात्र स्वदेशी तकनीक से बनाए। अपने देश को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष क्लब का सदस्य बनवाने का जो स्वप्न मैंने देखा था वह पूर्ण हुआ। पोखरण में परमाणु परीक्षण करके भारत अपने देश को भारत ने परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों में अपनी जगह बनाई। अपने देश को सर्वशक्ति संपन्न बनाने का मेरा सपना पूरा हुआ। सपने वे नहीं होते जो आप नींद में देखते हैं, सपने तो वे होते हैं जो आपकी नींद ही नहीं आने देते। समय के साथ मेरी जिम्मेदारियां बढ़ी। पहले भारतीय रक्षा मंत्रालय में मुझे वैज्ञानिक सलाहकार बनाया, फिर वर्ष 2002 में देश के 11वें राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं राजनीति से अधिक देर तक बंद कर नहीं रह सकता था, अतः वर्ष 2007 में अपने कार्यकाल के समाप्त होते ही मैंने दोबारा राष्ट्रपति न बनने का निर्णय लिया। मैंने सदैव भारत को विश्व में अग्रणी बनने का स्वप्न देखा था। अग्रणी मतलब आगे आने का सपना देखा था और इसके लिए मैं सदैव दृढ़ प्रतिज्ञ भी रहा। आपको पता होना चाहिए कि आत्म सम्मान हमेशा आत्मनिर्भरता के साथ जुड़ा होता है। मैं भारत को हमेशा आत्मनिर्भर देखने का इच्छुक रहा हूँ। आज हम सर्वसंपन्न हैं, तो लोग हमें गिद्दड़ भभकियां देखकर डरा नहीं सकते। गिद्दड़ भभकियां मतलब झूठ मूठ की धमकियां, झूठ मूठ का डराना। हमारी ठोस उपलब्धियां ही हमारी पहचान है, इसलिए जो हमें चाहिए उसके लिए प्रतीक्षा मत करो, संघर्ष करो, क्योंकि प्रतीक्षा करने वालों को तो उतना ही हिस्सा मिलता है जितना हिस्सा संघर्ष करने वाले छोड़ देते हैं। अगर आप पढ़ाई करने में कमजोर हैं अथवा लोग ऐसा समझते हो तो भी हार ना मानो, हर तरह से प्रयास करो। प्रयास मतलब कोशिश करते रहना चाहिए। यह भी संभव है कि किसी अन्य क्षेत्र में लगने योग्य बेहतरीन दिमाग तुम्हारे पास हो। एक अच्छी किताब 100 अच्छे दोस्तों के बराबर होती है। मैं भी अपने आपके लिए
अपनी अगली पीढ़ियों के लिए ऐसी किताबें लिखना चाहता था जो हमेशा के लिए प्रेरणादायक बन सके। मैंने इसके लिए प्रयास भी किया और अनेक पुस्तकें लिखी, जैसे इंडिया 2020, अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, माय जर्नी, इग्नोटेड माइंड्स, अनलिशिंग द पावर विद इन इंडिया, विंग्स ऑफ फायर आदि। अपने देश भारत ने मुझे बहुत मान सम्मान मिला है। मुझे भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्म भूषण जैसे अनेक सम्मान प्रदान किए गए हैं। अनेकों विश्वविद्यालयों ने मुझे डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी। बच्चों, संगीत में मुझे विशेष रुचि है। मुझे कर्नाटक भक्ति संगीत सुनना बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी वेनई वाद्य बजाता हूँ। बचपन से ही अपने देश की मिली जुली संस्कृति से मुझे बहुत प्रेम रहा है। मैंने गीता का अध्ययन मनन पूरे मनोयोग से किया है। मनोयोग मतलब मन लगाकर किया है। बच्चों से अपने विचारों का आदान प्रदान करना मुझे सदैव भाता रहा है। मैं सभी भारतीयों से यही कहना चाहता हूँ कि आत्मविश्वास और कर्मठता हमारी सफलता को जड़ से मिटाने के लिए परम आवश्यक औषधियां हैं। जय हिंद। एक सूर्यास्त। 27 जुलाई 2015 को शिलोंग में डॉक्टर अब्दुल कलाम का निधन हो गया। उस समय वह भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग में एक व्याख्यान दे रहे थे। व्याख्यान मतलब भाषण दे रहे थे। इस कर्मयोगी की मृत्यु भी काम करते ही हुई। वे लगभग 84 वर्ष के थे। इस तरह इस महान मिसाइल मैन और लोकप्रिय राष्ट्रपति की जीवन कथा समाप्त हो गई। थैंक यू।